जी बिल्कुल, एक खुशी का माहौल है। बल्कि हम लोगों की तो ये दुआ थी, जब ये लॉन्च हुआ था रॉकेट तभी से सब दुआओं का जिक्र कर रहे हैं कि यकीन था कि ये चंद्रयान पहुंचेगा और ये पहुंच के कल दिखाएगा। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं खुशी का मुजाहरा दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा कि एक चंद्रयान। और ये जो हमारे साथी हैं इनकी भी यही एक कोशिश है कि हम भी आगे चल के साइंटिस्ट बने और इसी तरह हम अपने देश का नाम रोशन करें। हम लोग तो इतना कहना चाहते हैं, जब से चंद्रयान लॉन्च हुआ है बस हम लोग की यही तमन्ना और दुआ है कि वो अच्छे से चांद पे लैंड हो जाए, और इंशाल्लाह लैंड भी होगा। और जब ये लैंड हो जाता है इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, इससे काफ़ी बड़ी रिसर्च आएगी इंडिया की तरफ। और हम लोग की दुआ है, अभी हम लोग ने नमाज में भी दुआ की है कि इंशाल्लाह अच्छे से लैंड हो जाए, और जो भी हमको मालूम पड़ता है चांद पे नई रिसर्च होती है उससे हम लोग को फ़ायदा ही होने वाला है और काफ़ी इंडिया तरक्की करेगा उसके बाद। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। हम लोग भी साइंस पढ़ते हैं, हम लोग को भी पता है काफ़ी मुश्किल टास्क है ये इंडिया के लिए, और ये हो जाता है तो इंडिया इसरो जो है काफ़ी आगे चला जाएगा, नासा की टक्कर में आ जाएगा। चंद्रयान 3 की कल लैंडिंग साथ खैरियत के और पूरी तरीके से सेफली चांद पर हो, मून पर हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। और सिंस चांद की अहमियत तमाम मजाहिब में, हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में भी हिंदू मजहब में भी एक अलग है, इस वजह से इस मिशन से और भी ज़्यादा हम लोगों इससे लगा हो। और चूँकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशल्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और जाहिर सी बात है अगर ये लैंडिंग कल सेफली हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पे तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली डू दिस। सो इन तमाम बातों के मद्देनज़र हम लोग की यही तमन्ना और आरजू है कि इसमें इसरो को और इसरो के साथ साथ पूरे मुल्क को कामयाबी हासिल हो। Tomorrow the Chandrayaan 3 will be land on moon, so what do you think about it? You all know that Chandrayaan 3 is a very special and very big mission, and we extend our heartiest congratulations to all the scientists and official of ISRO, and for the success of Chandrayaan 3 we have made a special dua in our Islamic center, and students are daily following the movement of Chandrayaan 3, and you all know that if and we expect that this mission will be successful, and if this mission will be successful then Chandrayaan 3 would make India the first country to land on the unexplored lunar south pole. So it is a matter of pride for each and every citizen, and we expect and we pray to Allah to make this mission a big success.
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।